हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन है, एक एक्टर स्टार कैसे बनता है? क्या एक एवरेज लुकिंग एक्टर स्टार बन सकता है? और व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ एन एक्टर? ये सवाल तकरीबन हमारे बच्चों में, उनके दिमाग में पैदा होता है, मैं जानता हूँ। इसी सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ द परसेप्शन ऑफ ब्यूटी ऑफ एक्टर्स, कि एक्टर की खूबसूरती कैसे मापी जाती है। ऑडियंस ब्यूटी ऑफ एक्टर्स को समझती है कॉस्मेटिक से, उसकी ड्रेसेस से, उसकी खूबसूरती से, उसके फीचर से, आँखों से, है ना। ये तकरीबन ऑडियंस समझते हैं कि स्टार लोग शायद बहुत ही खूबसूरत लोग होते हैं। और जो डायरेक्टर होता है फिल्म का, वो ये समझता है कि मैं एक्टर की जो ब्यूटी है उसकी पर्सनैलिटी में है, कि हाउ ही कैरीज हिमसेल्फ, वो चलता कैसे है, बातचीत कैसे करता है, डिलीवर कैसे करता है। तो डायरेक्टर का जो परसेप्शन होता है वो ये होता है। और जो फिल्म का राइटर होता है उसका परसेप्शन होता है कि मेरा कैरेक्टर्स कैसे बनेगा, ये मेरा एक्टर जो है इस कैरेक्टर को प्ले कैसे करेगा, और मेरे कैरेक्टर की क्या ब्यूटी है, और कैरेक्टर के अंदर कौन सी ऐसी खास बात है कि जो कि लोगों को लुभाती है उस कैरेक्टर में। और सही बात यह है कि असली ब्यूटी फिल्म की कहानी में कैरेक्टर्स की ब्यूटी होती है, एक्टर्स की नहीं होती, क्योंकि कैरेक्टर्स जो हैं वो चार्म करते हैं लोगों को। लोग एक्टर्स को पर्सनली थोड़ी जानते हैं, लोग जो देखते हैं स्क्रीन पर वो उनको उस तरह से देखते हैं कि ये कैरेक्टर्स जो हैं एक कहानी में कैसे बिहेव कर रहे हैं और ये कैसे चल रहे हैं, ये कैसे बात कर रहे हैं। और याद रखना कि अच्छे एक्टर को सिर्फ कैरेक्टर ही स्टार बनाता है और कोई स्टार नहीं बनाता। तो ब्यूटी कहाँ से रही? कॉस्मेटिक में रही? नहीं। आपके कॉस्ट्यूम में रही? नहीं। चश्मे में रही? नहीं। शूज़ में रही? लिपस्टिक में रही? समारी में रही? नहीं। आपको जो कैरेक्टर दिया गया है वो आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, वो उसकी ब्यूटी है। और हर एक्टर जब स्टार बना है तो अपने कैरेक्टर की वजह से ही बना है। एक्टिंग तो सब कर लेते हैं, हर फिल्म में 18 एक्टर होते हैं, वो भी तो कर रहे होते हैं काम। हंड्रेड्स ऑफ एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, स्टार्स तो बहुत कम हैं। तो अगर 5000 एक्टर्स में से सिर्फ 50 ही स्टार्स हैं तो उसका क्या कारण है? क्या कारण है कि वो ब्यूटीफुल हैं, हैंडसम हैं? नहीं। देखिए क्या होता है कि हैंडसम और ब्यूटीफुल जो फेस होता है वो आप पहले दिन में और पहली नज़र में आप जज कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक दो दिन के बाद बातचीत करना शुरू करते हैं उनके साथ, फिर आप फेस नहीं देखते, फिर आप ये देखते हैं कि ये बात क्या करता है, इसकी बात में क्या दम है, इसकी सोच में क्या दम है, इसके कैरेक्टर क्या है इसका, इसकी कितनी चार्मिंग पर्सनैलिटी है इसकी। तो वो कहानी के द्वारा जो है वो एक्टर उसको प्रकट करता है ना। 80-90% ऑफ आवर एक्टर्स इन हिंदी सिनेमा वर एवरेज लुकिंग, बट नाउ दे लुक वेरी हैंडसम टू अस। अगर आप उनको काउंट भी करें, उनकी अगर लिस्ट भी पढ़ें, तो आपको आस्ता आस्ता पता लगेगा कि पहली फिल्म जो थी अमिताभ बच्चन साहब की, सात हिंदुस्तानी, मुझे याद है कि उस वक्त सब ने यही कहा था, यार ये बहुत लंबा है एक्टर जो है, इसकी आवाज़ जो है बहुत ही भारी है, लंबा सा फेस है, ये स्टार नहीं बन सकता, ये कैरेक्टर एक्टर में शायद रह जाएगा। लेकिन जब परफॉर्मेंस देखी तो आहिस्ता आहिस्ता सब चुप हो गए। फिर उनकी जंजीर फिल्म आई और ऐसा कैरेक्टर उनको मिला, एक राइटर्स ने इतना अच्छा कैरेक्टर लिखा कि उन्होंने परफॉर्म किया, तो वो कमर्शियल सिनेमा में भी सुपरहिट हो गए। मैं आपको 80s की भी बात बताता हूँ, जब मैंने पिक्चरें शुरू की तो उस वक्त भी जब सनी देओल आए थे, उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? बेताब। तो बेताब की कहानी और कैरेक्टर की वजह से वो स्टार बने। धर्मेंद्र जी जो थे वो ज़्यादा हैंडसम थे, उनका बेटा सनी देओल उतना हैंडसम नहीं था, लेकिन वो हैंडसम लगने लगा बिकॉज वो फिल्म अच्छी थी। फिर सनी देओल ने फिर और अच्छी परफॉर्मेंसेस की, और हम सनी देओल को ऐसे नहीं देखते कि ही इज़ नॉट हैंडसम, ही इज़ हैंडसम नाउ। तो जो हैंडसम का परसेप्शन है आपका वो अलग है। जैसे श्रीदेवी थी तो आपको लगा कि ये साउथ इंडियन एक्टर जो है हिंदी में कैसे काम करेगी, लेकिन जब उन्होंने अपनी फिल्म दिखाई चालबाज, मिस्टर इंडिया, तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की कि वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी स्टार बन गई। आप सबको मैं एग्जांपल बताता हूँ कि ये सब एवरेज लुकिंग लोग थे जो आज सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम और हमारे दिल को लुभाते हैं। अब अनिल कपूर साहब का कोई मापदंड तो नहीं है कि हैंडसम बहुत है, लेकिन लगते हैं,
क्योंकि राम लखन में परफॉर्मेंस की तो उनको देख के लखन याद आता है, उनको देख के उनके अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस याद आती है। जब परफॉर्मेंस याद आती है तो अनिल कपूर भी स्टार लगते हैं। इवन रेखा जी जब आई थी तो सबको लगा कि भाई एवरेज है, लेकिन जब परफॉर्मेंस की और एक से बढ़कर अच्छी परफॉर्मेंस की और फिर उमराव जान में आई तो आज तक वो उमराव जान की ही एक हसीयत लेके एक खूबसूरती लेके वो सामने आती हैं और आपको लगती है कि वो उमराव जान ही खड़ी हैं हमारे सामने। इसी तरह से शत्रुघ्न सिन्हा जो हम खुद को खुद ही कहते थे कि मेरे यहाँ कट है यहाँ कट है, मैं बहुत एवरेज लुकिंग एक्टर हूँ, लेकिन जब परफॉर्मेंस की उन्होंने कालीचरण में, विश्वनाथ में और बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्मों में, वो भी हैंडसम लगने लग गए, वो भी हीरो बन गए। फिर आज की पिक्चर भी देखो, जैसे महिमा चौधरी थी जो हमारी परदेश फिल्म में न्यू कमर थी, लेकिन उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता थ्रू कैरेक्टर्स और परफॉर्मेंस। जो कैरेक्टर करते हैं, जो कैरेक्टर हैं, वो लोगों को अच्छे लगने लगते हैं, फिर उसके बाद वो एक्टर भी अच्छे लगने जाते हैं। अगर आप ऐश्वर्या की बात करें, ऐश्वर्या की जो है वो सबसे खूबसूरत फिल्म जो है वो ताल थी, जहाँ से वो आज तक उस ताल की खूबसूरती की आभा लेकर, उसका एक एहसास लेकर लोगों के दिल में छाई हुई है। संजय दत्त की बात करें तो संजय दत्त से भी हैंडसम लोग हैं दुनिया में, लेकिन वो एक्टर नहीं है, क्योंकि संजय दत्त की खलनायक याद आती है, संजय दत्त की मुन्ना भाई याद आती है, उसकी परफॉर्मेंसेस याद आती हैं। इवन आमिर खान साहब की जब बात करें हम लोग, आमिर खान साहब जब क़यामत से क़यामत में आए तो हमें लगा कि शायद ये पिक्चर हिट है, शायद ये बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे, ये शक था हमें, लेकिन हमें ये मालूम पड़ा कि वो एक्टर अच्छे हैं, शायद वो कैरेक्टर एक्टर में चले जाएंगे, लेकिन एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस की इतनी सी हाइट और एक एवरेज चेहरा है उनका। एक एक कैरेक्टर के बाद अब हर बार वो नया लेयर लेकर आते हैं, नया कलर लेकर आते हैं आमिर, इसलिए हर फिल्म में वो अलग लगते हैं। अब उनकी एड भी देखो तो कैरेक्टर लगने लग जाता है। इवन हमारे शाहरुख भाई को देख लो, शाहरुख खान साहब को जब आए तो सबको था कि ये हीरो के बाल तो हैं लेकिन हीरो लगता नहीं, लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में काम किया, डर जैसी परफॉर्मेंस की डर फिल्म में, तो लोगों को दंग कर दिया उन्होंने, एक एक्टर ज़बरदस्त सामने आया ऑन द स्क्रीन, और वहाँ से फिर दिलवाले दुल्हनिया और बहुत सी अच्छी अच्छी खूबसूरती थी। आज सबसे खूबसूरत स्टार जो हैं शाहरुख खान साहब। इवन हीरोइंस में भी आप देखिए, विद्या बालन की फिल्म जो हैं डर्टी पिक्चर्स, इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस की है कि विद्या बालन उसके बाद रुकी ही नहीं, एक से एक अच्छी परफॉर्मेंस करती गई। शबाना आज़मी को आप एक गुड एक्टर की तरह देखते हैं, उनकी पहली फिल्म अंकुर आई थी अगर आपको याद हो, और अंकुर में ही उसने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया था, और अपनी परफॉर्मेंस से आज तक वो दुनिया का दिल जीतती आई हैं, एज एन एक्टर, नॉट एज ए ब्यूटी क्वीन जिसके बारे में आप एक नॉर्मल एक कॉस्मेटिक तरीके से देखते हैं। ये बच्चों का, इन लड़कियों का और एक्टरों का वहम है कि हमें खूबसूरत लगना चाहिए, हमें श्रृंगार करना चाहिए, हमें कॉस्मेटिक्स बनना चाहिए। नहीं, आपको एक्टर बनना चाहिए पहले, क्योंकि आप एक्टर आएंगे स्क्रीन के ऊपर, आप बात कैसे करते हैं, आपका कंटेंट क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी रूह क्या है। एक्टर को एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर गुड लुकिंग के ऊपर एक्टर बनते या स्टार बनते तो मेरे हिसाब से नसीरुद्दीन शाह साहब या ओमपुरी साहब या नवाजुद्दीन साहब साहब ये एक्टर बन ही नहीं सकते थे, लेकिन ये एक्टिंग की उच्चतम श्रेणी में आते हैं एक्टरों के, लोग उनकी इज्जत करते हैं एज एन एक्टर। आपने कभी उनकी शक्ल से ताल्लुक रखा कि ये कैसे लगते हैं? नहीं, आप उनकी परफॉर्मेंस के मोहताज हैं। नाना पाटेकर इसका एग्जांपल है, बहुत बड़े। नाना पाटेकर की खूबसूरती क्या है? परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन, एक अच्छा इंसान। नहीं तो अजय देवगन साहब भी नहीं बन सकते थे। आज वो 30-35 साल से एज ए गुड परफॉर्मर जाने जाते हैं, एज एन एक्टर जाने जाते हैं, इसीलिए लोग स्टार जाने जाते हैं, क्योंकि दे आर मेड आउट ऑफ कैरेक्टर्स इनटू स्टारडम। मुझे याद है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो
शहनशाह एक्टर जिनका नाम दिलीप कुमार है, जब वो नए नए आए थे तो लोगों ने भी ये कहा था कि बहुत ऑर्डिनरी लुक है इसका, ये कहाँ से आ गया। लेकिन दिलीप कुमार साहब ने अपनी परफॉर्मेंस करके एक से एक जवाहर भाटा से शुरू करके वो सीढ़ियाँ चढ़ते ही चले गए अपनी परफॉर्मेंस से, एंड ही बिकेम ए किंग ऑफ एक्टर्स। लड़कियों के बाद बात करें तो कंगना को देख लीजिए आप, टुडे शी इज नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। आलिया भट्ट को देख लीजिए आप, शी इज नोन वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। आप हर एक का एग्जाम्पल देखिए। सो इसलिए कोई भी एक्टर शुरू में हैंडसम या ब्यूटीफुल नहीं होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता हैंडसम ब्यूटीफुल माना जाने लगता है बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस की वजह से। इसलिए आपको एक्टर बनना ज़्यादा ज़रूरी है, हैंडसम होना ज़रूरी नहीं। एक्ट्रेस अच्छी होना ज़रूरी है, खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं। तो आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए और एक्टिंग पर काम कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके सब्जेक्ट को समझिए, अच्छी परफॉर्मेंसेस देखिए, इन लोगों से प्रोत्साहन लीजिए और फिर देखिए कि आप एक दिन आप भी स्टार बनेंगे। गॉड ब्लेस यू।